नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं पहाड़ समाचार। हल्द्वानी के दिवंगत नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का हृदय गति रुकने से दिल्ली में निधन हो गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर हल्द्वानी स्थित उनके आवास पहुंच गया है। उनके पार्थिव शरीर को नैनीताल रोड स्थित आवास विकास में उनके आवास संकलन में रखा गया। उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हल्द्वानी पहुंचे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली में से सीधे हल्द्वानी पहुंचे हैं और इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद से लगातार कांग्रेस के साथ साथ जिस तरह से विपक्षी दल है उनमें भी काफी ज्यादा शोक की लहर है और इसी पे आज उनका अंतिम संस्कार है, जिस पर अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हल्द्वानी पहुंचे। बता दें कि दिल्ली से सीधे हल्द्वानी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली नेता प्रतिपक्ष के निधन से के समाचार से स्तब्ध हूं। उन्होंने कहा कि इंदिरा ने सदैव जनसेवा करते हुए विकास की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए परिजनों को संतावना देते हुए कहा कि पूरा भाजपा परिवार इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। हम सभी की प्रार्थना है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक स्तंभित परिजनों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। आज बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि बहुत ही उत्तराखंड की वरिष्ठ नेता, कांग्रेस की यहाँ पर एक तरह से स्तंभ कही जाने वाली और जिन्होंने अनेक पदों को सुशोभित किया और 1974 से लगातार राजनीति में सक्रिय रही, उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत जब सम्मिलित था उस समय 3 बार MLC वो रही, नेता प्रतिपक्ष और अनेक विभागों की वो मंत्री रही और एक तरह से ये कहा जाए कि वो संसदीय व्यवस्थाओं की एक तरह से मर्मज्ञ भी थी और एक मजबूत अनुभवी नेता आज उत्तराखंड का हमारे बीच में नहीं रहा है। वास्तव में अनुभव हर जगह हर व्यक्ति के पास जो होता है तो नई पीढ़ी को उससे प्रेरणा मिलती है। आज इंदिरा हृदयेश जी का जो दुखद समाचार प्राप्त हुआ, निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड की राजनीति। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से रोकथाम और बचाव के लिए विधानसभा अध्यक्ष लगातार प्रयासरत है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइज किए जाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी विधायक निधि से ट्रैक्टर ट्रॉली टैंकर समाज सेवी संस्थागत सेवा संस्थान को सुपुर्द की। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ नारियल फोड़कर ट्रैक्टर ट्रॉली का सैनिटाइजेशन किए जाने के लिए शुभारंभ किया। तुलसी विहार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने स्वयं ट्रैक्टर चलाकर क्षेत्रों को सैनिटाइज किए जाने का शुभारंभ किया। तो ट्रैक्टर ट्रॉली शुभारंभ करने के लिए ये बड़ा कार्य उठाया गया है। बता दें कि अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी विधायक निधि से ट्रैक्टर ट्रॉली टैंकर समाज सेवी संस्थागत सेवा संस्थान को सुपुर्द कर दी। बड़ी कदम उठाया गया है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर ट्रॉली को सुपुर्द करने से पहले विधि विधान से इसकी पूजा अर्चना के साथ नारियल फोड़ा भी गया, साथ ही साथ सैनिटाइज भी किया गया इस पूरे ट्रैक्टर ट्रॉली को। तो तुलसी विहार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने स्वयं ट्रैक्टर चलाकर क्षेत्रों को सैनिटाइज किए जाने का शुभारंभ किया।
ऋषिकेश पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आईडीपीएल सिटी गेट के पास से मास्टर चाबी की सहायता से ट्रक चुरा कर ले जाने वाले शातिर चोर को 12 घंटे के अंदर कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने पकड़ लिया। कोतवाल शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया, आरोपी को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने जानकारी दी है कि वो हरियाणा के जनपद मेवात का रहने वाला है। मेवात में ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले कई गैंग है जो बड़े बड़े ट्रक और डंपर आदि को चुरा लेते हैं और उनका चेचिस इंजन नंबर बदल कर बाहर बेच देते हैं। तो ट्रक नंबर बदल कर बाहर बेचने वाले ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ट्रकों की चोरी की इस वारदात को चोर अंजाम दिया करते हैं। वहीं पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस गौतम हैं जो हमारे यहाँ पे जो है अग्रसेन नगर के निवासी हैं, उनका डंपर चोरी हुआ है। तो उन्होंने देखा कि रात तो खड़ा था, लेकिन जब वो सुबह 9-10 बजे देखा तो उन्होंने डंपर खड़ा नहीं था। इस संबंध में उन्होंने सूचना दी, मुकदमा पंजीकृत किया गया, हमने टीमें गठित की गई, सीसीटीवी कैमरे, पुराने जो ट्रक चोर हैं, पुरानी की हिस्ट्री है, उनको चेक किया गया और उसकी तलाश में हमें वो दिल्ली से वो ट्रक और मुलजिम जो है हमने बरामद किया। रोडकी से दहेज का मामला सामने आया है। 1 साल पहले शादी हुई थी और अब दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है। लड़की का आरोप है कि शादी से 2-3 महीने बाद ही उसके पति ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया और दहेज में कार और जेवरात की डिमांड भी की जा रही है। उसी को लेकर लड़की के परिजन जब लड़के के घर गए तो लड़के वालों ने लड़ाई करना शुरू कर दिया। लड़की के परिजनों का आरोप है कि लड़ाई में उन्होंने हमारे ऊपर धारदार चाकू से हमला भी किया, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए हैं, जिससे उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जादू के 1 साल हो गया, उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान करा, 2-3 महीने से तो ज़्यादा परेशान कर रहे। और फिर अब जब मैं गई, मेरी छत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा है और फिर सामान भी दे दिया। मेरे भैया का इंतकाल हुआ, गरीब आदमी हम बहुत ज़्यादा, और फिर मुझे बोलते हैं कार लेकर आइए और सोना लेकर अपने घर से, और मैंने मना करा, गरीब आदमी हम कैसे देवेंगे। तो फिर मेरा बहुत बजाया और फिर मेरे घर वाले गए थे वहाँ से, उन पर फिर तलवार उठाई, चक्कू उठाए, उनको मारे उन्हें बहुत ही, और मुझे भी रात बुला रहे थे क्या तू भी आ जा, फिर मुझे मारना का प्लान। कोविड-19 के चलते ग्राम सोलहपुर में डॉक्टर रतनलाल एजुकेशन एंड चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से पहल की गई है। सोसाइटी की ओर से ग्रामीणों को गांव-गांव पहुंचकर दवाइयां व मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए जा रहे हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि कोविड-19 के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर मरीज बुखार और फंगल इन्फेक्शन के आ रहे हैं। हमारे द्वारा गांव-गांव में जाकर कैंप लगाए जा रहे हैं और निःशुल्क दवाइयाँ वितरण की जा रही हैं। तो सोलापुर में सोसाइटी की तरफ से अहम पहल की गई है, जिसमें सैनिटाइजर और लोगों को दवाई मुफ्त में मुहैया कराई जा रही है। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से स्टॉल लगाया गया है, जिसमें लोगों को सैनिटाइजर और दवाइयां वितरित की जा रही है। हालांकि कोरोना से मुक्ति पाने के लिए ये पहल शुरू की गई है। ये कैंप हमने पहले भी लगाया है, सिकंदरपुर भी लगाया है, अब सोहलपुर लगाया, आगे हाजीपुर लगाएंगे और मंगलोर। निःशुल्क दवाइयाँ दे रही है गांव-गांव में, हम बता रहे हैं किस तरह से कोरोना खतरनाक बीमारी है। मास्क के लिए, सैनिटाइजर के लिए बार बार हाथ धोजिए और निःशुल्क दवाइयाँ दे रहे हैं। किसी को बीमारी कुछ वैसी है, बरसात आ रही है, खाज खुजली आ रही है, उनकी भी दवाइयाँ हैं, डॉक्टर के परामर्श से हम दवाई। पिथौरागढ़ के डीडीहाट तहसील के अंतर्गत वनराजी आदिम जाति समुदाय के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। दरअसल ये समुदाय वनों में रहते हैं और सालों से यहाँ रहने के बावजूद भी इनके नाम पर एक टुकड़ा जमीन भी नहीं है। इनकी बोली भाषा भी बहुत ही अलग है। हालांकि ये समुदाय हिंदी भी बोल लेते हैं। इनकी संख्या बहुत कम होने के कारण इनको कहीं भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले एक जनहित याचिका पर कोरोना काल को देखते हुए उच्च न्यायालय में संज्ञान लेते हुए इस समुदाय के लोगों का वैक्सीनेशन करने को निर्देशित किया गया है और टीम को यहाँ के लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। बता दें कि जल्द घटना का तो लगातार वैक्सीन को लेकर यहाँ के समुदाय के लोगों को वैक्सीन लगाने में जद्दोजहद करनी पड़ रही है लोगों को, लेकिन वैक्सीनेशन जरूरी है कोरोना काल में। तो पिथौरागढ़ के इन निवासियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है घर घर जाके।
हमारी अर्पण संस्था जो है विगत 20 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही है, जहाँ पर हमारे पिथौरागढ़ जिले में 9 गांव हैं, इनके लगभग 650 की जनसंख्या है। ये लोग काफ़ी अंदर जंगलों में रहते हैं, तो इनको वैक्सीनेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। जब हम लोग गए, इन गांव में जाते रहते हैं हमारे कार्यकर्ता, तो वहाँ पर इनको जब इसके बारे में बताया तो पता चला कि कई लोगों में बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। लोग कहते हुए मिले कि नहीं, वैक्सीन लगाने के बाद लोग बीमार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो हमें लगा कि ये बहुत गलत किस्म की जानकारी इन लोगों के बीच में जा रही है। इस बीच में विभाग वाले लोग गए उनके बीच में वैक्सीनेशन के लिए, मेडिकल टीम गई, तो उन लोगों को ज़्यादा वहाँ पर सक्सेस नहीं मिला। तो वनराज, ये समुदाय के लोगों को वैक्सीन लगी, आपने सुना कि किस तरह से टीम को वैक्सीनेशन के लिए मेहनत भी करनी पड़ रही है। तो पिथौरागढ़ में जो लोग निवासी हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो वहां पर वैक्सीनेशन की उनके अंदर इतनी समझ नहीं है, उनके लिए स्पेशल वैक्सीनेशन टीम बनाई गई है, जो घर घर जाके लोगों का वैक्सीनेशन कर रही है। तो उत्तराखंड में प्रशासन की लचर व्यवस्था ने एक व्यक्ति को परेशान कर दिया है। दरअसल लगभग एक महीने पहले भारी बारिश के चलते प्रेमदास के सर से छत छिन गई। ताजुब की बात तो ये है कि घटना की सूचना के बावजूद भी सरकारी सिस्टम इतना लचर नजर आ रहा है कि अभी तक पीड़ित की कोई भी सुध लेने नहीं गया। छत जाने से परेशान पीड़ित ने जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई थी। अधिकारी का कहना है कि समस्या का संज्ञान लेते हुए तत्काल तहसीलदार गजा को घटना के संबंध में पत्र लिखा है और तत्काल पीड़ित प्रेमदास को मुआवजा राशि दी गई और पीड़ित को अस्थायी रूप से रहने का ठिकाना उपलब्ध करवाने की बात कही है। वहीं प्रधान संगठन के महामंत्री आशीष राणा कोटी के प्रयासों से पीड़ित प्रेमदास के चेहरे से उम्मीद की किरण जो चली गई थी, वो एक बार फिर से लौटनी शुरू हो गई है। 19 तारीख को ग्राम रणाकोट में प्रेमदास जी का मकान क्षतिग्रस्त हो गया था पूर्ण रूप से, जिसकी सूचना उनके द्वारा संबंधित पटवारी पालगढ़ को दी गई थी, लेकिन अभी तक उनकी कोई मदद नहीं हुई है। जिस संबंध में उन्होंने आज मुझसे संपर्क किया और मैं रणाकोट में आ रखा हूँ और हमने यहाँ पर देखा है कि पूरा मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। 2 कमरों का मकान है। मकान के अंदर जो भी सामान था, उनके बिस्तर थे रहने के लिए, भांडे बर्तन जो भी थे, सब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और उनके रहने खाने की कोई सुविधा नहीं है। इस संबंध में हमने आज तहसीलदार गजा को आज एक ज्ञापन दिया है और मांग की है कि उनकी मदद जल्द की जाए, क्योंकि उनके श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पीपी ध्यानी के अनुसार कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है। बता दें कि विद्यार्थी परिषद के विरोध के बाद सेमेस्टर सिस्टम को समाप्त कर वार्षिक परीक्षाएं कराई गई थी। कुलपति ने कहा कि वार्षिक परीक्षाएं छात्र हित में नहीं है, इसे देखते हुए कार्य परिषद की बैठक में सेमेस्टर सिस्टम को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस मामले पर प्रदेश मंत्री काजल थापा ने कहा कि जिस समय सेमेस्टर सिस्टम वापस लिया गया था, उस समय की मूलभूत सुविधाओं में और आज की मूलभूत सुविधाओं में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऋषिकेश के श्यामपुर मंडल के युवा मोर्चा टीम द्वारा कांग्रेसियों का पुतला फूंका गया। युवा मोर्चा का आरोप है कि कुछ दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष कैंप कार्यालय का घेराव करने जा रहे कांग्रेसियों ने तिरंगे का अपमान किया था, जिसको लेकर आक्रोशित भाजपा युवा मोर्चा की श्यामपुर मंडल टीम द्वारा कांग्रेसियों का पुतला फूंक कर आक्रोश जाहिर किया गया है। ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कांग्रेस पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कांग्रेस पार्टी सेम 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 सेम। उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली पुलिस ने 20 लाख की चरस के साथ पिथौरागढ़ में तैनात 2 पुलिस के सिपाहियों सहित 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि चंपावत में तैनात एक और सिपाही के इस मामले में शामिल होने की बात सामने आई है। वहीं चोरी 4 आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा आरोपियों के पास से 2 कार भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। थाना किच्छा पुलिस ने 8 किलो चरस की बरामद की है। इसमें 2 लोग हमारे विपुल सैला और पीयूष खड़ा है, ये खटीमा के रहने वाले हैं।
ये मेडिकल लाइन में जो है हमार के रूप में काम करने वाले थे, जो देवधि में काम कर रहे थे लोग, इनसे एक किलो बरामद हुआ है। इनसे एक होंडा अमेज गाड़ी है UK 04S 2114, उसमें एक किलो बरामद हुआ है। दो लोग अन्य पकड़े गए हैं इनके साथ, और लगभग उसमें 7 किलो चरस की बरामद भी है। दोनों कांस्टेबल हैं पिथौरागढ़ जनपद के, एक का नाम 83 AP दीपक पांडे है, दूसरा 180। हल्द्वानी के बनबूलपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सारे फिंगरप्रिंट्स और अन्य चीजों को इकट्ठा कर लिया। वहीं एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने बताया कि मृतक उजाला नगर का रहने वाला है। प्रथम दृष्टया में हत्या का मामला लग रहा है। परिवार के लोगों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। सोजी और पुलिस की अन्य टीमें मामले के खुलासे को लेकर काम कर रही है। बरेली रोड एक बगीचे पे आज सुबह एक शव के होने का पता चला। पुलिस बनभूलपुरा की मौके पे पहुंची है। सब की शिनाख्त हो गई है, सोनू नाम के एक व्यक्ति की है जो कि उजाला नगर का रहने वाला है। जो प्रथम दृष्टया बॉडी के एग्जामिनेशन पे जो चीज़ पता चल रही है, उसमें गले में निशान है रस्सी के, ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी हत्या की गई है। परिजन यहाँ पे उपस्थित हैं, पंचायतनामे की कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु का सही कारण पता चलेगा और परिजनों की तहरीर के आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। रुड़की से दहेज का मामला सामने आया। 1 साल पहले शादी हुई थी और अब दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, ये लड़की का आरोप है। शादी से 2-3 महीने बाद ही उसके पति ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया और दहेज में कार और जेवरात की डिमांड करने लगा। उसी को लेकर लड़की के परिजन जब लड़के के घर गए तो लड़के वालों ने लड़ाई शुरू कर दी। लड़की के परिजनों का आरोप है कि लड़ाई में उन्होंने हमारे ऊपर धारदार हथियार से हमला भी किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिससे उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जादू के 1 साल हो गया, उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान करा, 2-3 महीने से तो ज़्यादा परेशान कर रहे। और फिर अब जब मैं गई, मेरी छत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा है और फिर सामान भी दे दिया। मेरे भैया का इंतकाल हुआ, गरीब आदमी हम बहुत ज़्यादा, और फिर मुझे बोलता है कार लेकर आइए और सोना लेगा अपने घर से, और मैंने मना करा, गरीब आदमी कैसे देवेंगे। तो फिर मेरा बहुत बजाया और फिर मेरे घर वाले गए थे वहाँ से, उन पर फिर तलवार उठाई, चक्कू उठाए, उनको मारे उन्हें बहुत ही, और मुझे भी रात बुला रहे थे क्या तू भी आ जा, फिर मुझे मारने का प्लान बना रखा था उन्होंने। सर हमने साल भर पहले शादी की थी, किसी को परेशान करते थे, मार पिटाई करते थे। हम गरीब आदमी हैं सर, दहेज के ऊपर लड़की को कह कहते हैं कार ला और सोने की चीज़ ला और उसको परेशान कर। आज हम जो सर समझौते के लिए पहुँचे, तीन एक बच्चा, दो हम दोनों भाई और एक हमारी साली खाला लड़की किया, कुआड़ भेड़ के कोई धारदार चीज़ ऐसी सर थी बोलूँगी सर, हम धारदार चक्कू था, हम लड़की खाला का हाथ काट दिया, मेरे जो है नाक पर सर मेरे भी मारा है, हम जान बचा करके अपने जूते चप्पल छोड़ के अपनी जान बचा के भाग गए। पांच समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, आपका ही मजा आएगा। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।